मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको दिया है, दैट इज 0.45 डिग्री सेल्सियस। व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 20 ग्राम बेंजीन में आपका 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड ऐड किया गया है। आगे देखिए, इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ डाइमर, इफ एसिडिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ डाइमर इन अ बेंजीन, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन विल बी। और उन्होंने हमको दिया है क्राइस्कोपिक कांस्टेंट 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। उन्होंने, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं पहले। सिंपल है, हम लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर में हमने पहले 20 ग्राम बेंजीन को डालना है, 20 ग्राम बेंजीन में हम लोगों ने 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को ऐड कर दिया, और जैसे हमको मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ सोल्यूट इन इट, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस था वो कितना है बोला आपका 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे नया ट्विस्ट है, जैसे ही आप एसिडिक एसिड को बेंजीन में डालते हो तो आपका जो एसिटिक एसिड है वो बेंजीन में एसोसिएट होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने यहां पे पूछा है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड, यानी हमको यहां पे परसेंटेज अल्फा ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड हमको पूछा है। एसिडिक एसिड हमको क्या क्या है पूछा हुआ है, तो सिंपल है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। और जब भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सीखते हैं तो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायल्यूट सॉल्यूशंस के लिए सीखते हैं, और हम लोग यह कंसीडर करते हैं आपका सॉल्यूट उसमें ना तो एसोसिएट हो रहा है ना तो डिसोसिएट हो रहा है, तो हम लोग यह कंसीडर करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीखते हैं। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब भी आप सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट को तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। यानी अगर आपका सॉल्वेंट है उसका एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट 10 है लेकिन आप उसमें सॉल्यूट डाल रहे हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 9, 8, 7 हो जाएगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है या कम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी एक नया ट्विस्ट ये होता है कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यानी हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट 1 से डिप्रेस हो, लेकिन डिसोसिएशन होने के कारण फ्रीजिंग पॉइंट 2 से डिप्रेस हो सकता है ना। यानी एसोसिएशन डिसोसिएशन से जो अपनी एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे अलग वैल्यू हमको मिलती है। ठीक है, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से आपका एक्सपेक्टेशन और थियोरेटिकल में डिफरेंस आ जाता है, तो उसी को इक्वल करने के लिए हम लोग एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो आपका एक फॉर्मूला है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्राइस्कोपिक कॉन्स्टेंट के एफ इंटू मोलैलिटी। अब ये फॉर्मूला बहुत सरल होता है जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो गया एक्सपेक्टेड में और थियोरेटिकल में त्रुटि आ जाती है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हम लोग उनको इक्वल करने के लिए एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आई। तो ये कब यूज होता है, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात कर रहे होते हैं। तो सिंपल है, हम लोग डेल्टा टी एफ का वैल्यू डालते हैं, दैट इज 0.45, क्राइस्कोपिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है आपको दैट इज 5.12, मोलैलिटी क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट आपका एसिडिक एसिड सोल्यूट है दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बोलो आपका 20 जो कि किलोग्राम्स में होना चाहिए, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इनटू आपका ही रहेगा आई, इनटू आपका क्या रहेगा आई, तो हम लोग आई के लिए सॉल्व करते हैं इसको, तो आई के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 0.45 इनटू 60 इनटू 20 इनटू 10 टू द पावर -3
डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 0.2। अभी आप देखेंगे, आपको लगेगा, आप बोलोगे सर कैलकुलेशन बहुत लेंदी, इसमें टाइम चला जाएगा। तो ऐसे समय में जब भी हम जेई के एग्जाम की बात करते हैं तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप प्रैक्टिस से कर पाओगे। तो 5.12 को हम लोग सिर्फ 5 कंसीडर करते हैं और 0.2 को 2 कंसीडर करते हैं। तो देखिए 5 हो जाएगा, ये 45 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली बोल देंगे 45 का 45 करना क्या हो जाएगा, इंटू 10^-2, है ना, इंटू 10^-2, तो क्या हो जाएगा 5 9 45, सीधा चला गया, तो इसका काम हो गया खत्म। अभी 0.2 है, इसको 2 करना है, इसको क्या 10^-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10^-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10^1, 10^1 प्लस 10^-1 इंटू 10^-3 क्या हो जाएगा 10^-2, ये -2 बच गया, ये लगे तो 10^-2 बच गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा बोलो आपका 2 हो जाएगा। तो आप सीधा कर दोगे 2 हो जाएगा, आप क्या कर सकते सीधा 2 10s, ये आ गया आपका 20। तो सिंपल आपके पास क्या बचा, दैट इज इक्वल टू 9 × 10^-2 × 60 × 10 × 10^-2। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 600 और ये 600 है, आपको मिल जाएगा 600। तो 600 ऐसे लिख सकते हैं आप, 600 × 10^-2, और ये आपका क्या बोलो आपका 9, और इसका ये 10^-2 × 10^-2, तो ये 2 0 और ये कट हो जाएगा, 9 6 54, 10^-2 क्या हो जाएगा 0.54। मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया, तो आपको ये मिल गया वेंट ऑफ फैक्टर आए, जो करेक्शन करता है ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। वेंट ऑफ फैक्टर आए मिल गया तो ये आपको मिल गया, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, आपको वेंट ऑफ फैक्टर आए मिल गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट इज परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां पर आगे एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो एसोसिएशन में देखिए आप क्या कंसिडर करते हो, एसिटिक एसिड लेना है भाई, एसिटिक एसिड लेंगे एंड दैट विल गेट एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब ये है CH3COOH, यानी अगर आप 2 moles लेंगे तो वो एसोसिएट, 2 molecules लेंगे तो एसोसिएट होके वो 1 molecule बना देंगे, 2 molecules लेंगे तो एसोसिएट होके वो 1 molecule बना देंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड करना है, तो मैं बोलता हूं लेट इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बी 2, है ना, इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या है बोलो आपके 2 है, उनको बेंजीन में डाल दिया, बेंजीन में डालने के बाद कुछ तो भी रिएक्शन शुरू हो गई और आपका एसिटिक एसिड एसोसिएट होना शुरू हो गया। तो इनिशियल जब 2 था तो आपका ये बना था क्या, नहीं था, एसिटिक एसिड एसोसिएट नहीं हुआ था ना, तो आपके इनिशियल क्या होगा इनका, बेंजीन में डालने के बाद एसोसिएशन शुरू होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 moles इनिशियली लिए है और जब बेंजीन में नहीं डाला था तो ये नहीं बने थे, अभी बेंजीन में डालने के बाद एसोसिएशन शुरू होता है, तो मैं बोलता हूं लेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन बी अल्फा। तो देखिए सपोज 2 में से आपके जा रहे हैं ट्वाइस ऑफ अल्फा, मैंने डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा बोला है, स्टाइकोमेट्री देखिए 2 से 1 बन रहा है तो ट्वाइस ऑफ अल्फा जा रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना बोला आपका अल्फा, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा जा रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा से कितना बनेगा, सिर्फ अल्फा, देखिए ना सिंपल, इसको ध्यान से समझिए, बच्चे समझ नहीं पाते, 2 moles इनिशियली है और ये 0 है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है और एसोसिएशन हो रहा है, तो देखिए इनिशियली हमने 2 moles लिए, अब 2 हमने बोला डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना बोला आपका अल्फा, तो 2 से कितना बन रहा है 1, तो कितने चाहिए 2 से, तो यहां पे कितने जाना चाहिए आपके डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है ना, तो कितने जाना चाहिए बोला आपके ट्वाइस ऑफ अल्फा, कितने जाना चाहिए बोला आपके ट्वाइस ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 से 1 बन रहा है, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा से कितना बनेगा आपका बोलो अल्फा, ठीक है। तो आगे क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर आए क्या होता है आपका, बोल देता हूं आपके लिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, इन सबको एड करना पड़ेगा, दैट इज क्या बोलो आपका 2 - ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा, और इनिशियल कितने थे बोलो आपके, आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 - अल्फा बाय 2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं 2/2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय 2, दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1 - अल्फा बाय 2, यानी आपको यह मिल गया
I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, मिल गया कि नहीं? उसके बाद आपको देखिए I की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की है, दैट इज इक्वल टू 0.54 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, आपको मिल जाएगा अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.54, ध्यान से देखिएगा इसको, स्टॉप समझ जाओगे आप, तो मिल जाएगा आपको अल्फा बाय 2, सब्ट्रैक्शन करना है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0.46, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 जा मिल जाएगा 12, 2 4 जा 8 तो हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 0.92, ये मिल गया आपको अल्फा। परसेंटेज अल्फा क्या होगा, परसेंटेज अल्फा इज इक्वल मिल जाएगा 0.92 इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 92%, दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अगर मैं आपको बताऊं आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो देखिएगा ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको, ऑप्शन वन दिया है आपको 74.6% एंड ऑप्शन टू दिया है आपका 94.6%, आगे देखने की जरूरत नहीं है, अपना आया है कितना 92, यानी नजदीक क्या होगा आपका बोलो 94.6%, लगे तो आपके लिए ऑप्शन नंबर थ्री भी लिख देता हूं मैं 64.6%, ऑप्शन नंबर फोर है आपका 80.4%, तो ये सबसे नजदीक है इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करेक्ट ही किया होगा मैंने, ये आपका सॉल्यूशन है फॉर प्रॉब्लम नंबर 37, ओके देख लीजिएगा।